फील करते हैं आप इस शो के लिए और क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ शो के लिए बिकॉज आई एम एसोसिएटेड टू इट एंड बहुत ही अच्छा प्यारा एंड अलग तरह का शो है जो बहुत डीप है जिसमें बहुत डेप्थ है बहुत मैच्योरिटी है जो आप देखेंगे एंड आपको पता चलेगा 23rd से. सो डू वॉच इट एंड आप बताइए आपको कैसा लगता है हमारा शो, क्या अलग लगा आपको उसमें, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, यू कैन टेल अस. आपकी कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए कि क्या कुछ. मेरा बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है. इट्स अ वेरी नाइस कैरेक्टर. जानवी इज़ अ वेरी लाइवली गर्ल जिसके पास बहुत बातें हैं करने को. चुप नहीं रह सकती, मतलब उसको पेट में दर्द होगा लिटरली इफ शी डजंट टॉक. सो और वो दो शब्द में दो लाइन में बात करना उसको नहीं आता है, तो शी समवन लाइक दैट जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि मुझसे इतना नहीं बोला जाता है, इसलिए बाय द एंड ऑफ द डे मैं थक जाती हूँ बोल बोल के सेट पे. ऑफकोर्स एवरी वन वॉन्ट्स टू डू अ गुड शो. अच्छा कैरेक्टर हो जो थोड़ा अलग हो आपके पहले किए हुए शो से ताकि आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को भी मिले. सो आई एम या दैट्स वाई आई थिंक आई टुक सो मच ऑफ टाइम टू कम बैक एंड आई एम हैप्पी टू बी बैक विद वो अपना ज़ैन ऑन ज़ी टीवी. वेरी गुड. रिद्धि इज अ सुपर एक्टर. शी इज़ डन सो वेल. आई हैव सीन हर शो मर्यादा बिफोर एंड आई एम हैप्पी शी इज़ अ पार्ट ऑफ द शो एंड आई कैन वर्क विद हर. एंड it's a very different character hers and very different from mine and I'm really waiting to shoot with her kyunki abhi tak mera uske sath kuch khas shoot nahi hua hai. So I'm waiting to shoot with her soon. विल धमाल तो बहुत होगा बिकॉज ये वेरी इट्स अ वेरी डिफरेंट शो. बहुत अलग कहानी है और जस्ट मी सब बोलते हैं अलग कहानी बट ये अलग कहानी है. बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है और आप इंजॉय करेंगे बिकॉज काफ़ी लोग रिलेट करेंगे. क्या होता है ना जब शादी होती है अगर अच्छी बीवी मिल जाए तो लाइफ सेट है, अगर नहीं मिले तो लाइफ ख़त्म है. सेम वाइस वर्स अगर आदमी भी गलत मिल जाए तो औरत की लाइफ ख़त्म है. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं एंड बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, बहुत अलग तरीके से लिखे गए हैं. मैं सीन करता हूँ जब रिद्धि के साथ तो ऐसा लगता है कि यार ये विल शी डू दिस, ये भी होगा. वेयर एज जानवी के साथ जब मैं करता हूँ इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स लाइक अ ब्रेथ फ्रेश है. सो काफ़ी कुछ है, अच्छी मिक्स है शो में. एंड जब लोग कहते हैं ना वी वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, वी आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट एंड आई होप यू लाइक इट. गिवन आर एवरीथिंग टू दिस शो. सो प्लीज़ वॉच इट एंड टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट इट. मैं ये कहना चाहूँगा यार बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, बहुत अलग कहानी है, आप लोग इसे इंजॉय करेंगे. ट्रस्ट मी इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट. प्लीज़ वॉच इट. ZTV 23rd January onwards, Monday to Friday at 10 PM. Please watch it and give us all your love. बहुत मैंने बहुत टाइम से शो नहीं किया है क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था, मुझे कुछ डिफरेंट. बहुत कॉल्स आए, बहुत ऑडिशन्स के लिए गई मैं, बहुत टेस्ट किए मैंने बहुत सारे रोल्स के लिए. बट मर्यादा और सावित्री ने सीरियसली मुझे बिगाड़ दिया है. राकेश और मैं बहुत बोलते हैं ये चीज़, लेकिन इट्स ट्रू. मैं बहुत बिगड़ गई हूँ आफ्टर दीज टू शोज. I really got to learn so much. I got to unlearn so much. मैंने बहुत कुछ नया किया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो मैंने पहले कभी की नहीं थी और जो टीवी पे नहीं होती हैं. So after doing those shows ना मन नहीं कर रहा था कुछ mediocre करने का या कुछ ऐसा करने का जो ठीक है. और एक चीज़ जो मैं हमेशा से बोलती हूँ वो ये है कि मुझे मोर देन द स्टोरी एंड द कैरेक्टर आई वॉन्ट टू गो विद द विजन ऑफ द पीपल हु आर मेकिंग द स्टोरी. बिकॉज टीवी इज़ राइटर्स मीडियम, तो जो लिखते हैं जो लिखा है वो कितना पावरफुल है. एंड ये स्टोरी सीरियसली मुझे वैसी लगी. आई लव द वन लाइन ऑफ द स्टोरी, यू नो, इवन दो देर इज दिशा हु इज़ प्लेइंग द पॉजिटिव कैरेक्टर, बट आई लव्ड इट. आई लव द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द शो. एंड मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है लोगों से, यू नो, जब मैंने उनको बताया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर. मुझे इस चीज़ का भरोसा है कि लोग ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मैं रिद्धि हूँ और मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. और आई जस्ट होप दे कंटिन्यू टू लव मी, इवन दो आई वॉन्ट देम टू हेट मी फॉर दिस कैरेक्टर, बट आई होप दे जस्ट कीप लविंग मी.